नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 12:36 तक रहेगी। हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आज रात 8:23 तक वरियान योग रहेगा। इस योग में कोई मंगलदायक कार्य करने से उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। साथ ही आज सुबह 8:46 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। हस्त नक्षत्र कल की सुबह 7:14 तक रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 1:45 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 जुलाई की दोपहर बाद 3:17 से रात 1:13 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज यह योग पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:45 से रात 8:12 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 जुलाई की सुबह 5:28 से दोपहर पहले 11:11 तक और फिर दोपहर बाद 1:16 से 3:36 तक रहेगा। 3:36 तक। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:03 से रात 8:12 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:03 से रात 8:12 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 4:03 से रात 10:08 तक और फिर रात 11:36 से 12:36 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 2 तारीख को दोपहर पहले 11:12 से शाम 6:06 तक रहेगा। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 29 जून की रात 10:13 से 11:32 तक और रात 12:56 से अगली सुबह 5:22 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 3 जुलाई की सुबह 8:17 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 5:38 से शाम 7:23 तक। मुंबई शाम 5:40 से शाम 7:20 तक। चंडीगढ़ शाम 5:43 से शाम 7:29 तक। लखनऊ शाम 5:20 से 7:04 तक। भोपाल शाम 5:28 से 7:10 तक। कोलकाता शाम 4:44 से 6:25 तक। अहमदाबाद शाम 5:47 से 7:29 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 5:02 से शाम 6:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको फायदा ही फायदा होता रहेगा, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले अटक सकते हैं। ऐसी स्थितियों में किसी पुराने साथी का सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों का समय घर पर दादा दादी के साथ बीतेगा और उनसे कुछ बातें करेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहेगा। सेहत को लेकर आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग के लोगों को फायदा होने के योग बन रहे हैं। साथ ही कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी भी होगी। दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपकी सेहत में सुधार आएगा। आज आप ऑफिस का काम समय पर पूरा करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन व्यस्तता में बीतेगा। आज पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके सपने साकार होते हुए नजर आएंगे। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। इस राशि के छात्रों के पास कई दिनों से जो परेशानी चल रही थी वो आज किसी फ्रेंड की सहायता से सॉल्व हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशी आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज समझदारी के साथ काम करेंगे तो आपको कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। आज आपको जो भी काम दिया जाए उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि आपको काफी धन लाभ होगा। लोग अपनी परेशानियां आपके सामने रखेंगे जिसे आप आसानी से सुलझा देंगे। इस राशि के छात्र आज करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु की मदद लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज अपनी सोच सकारात्मक रखें। भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए प्लान बनाएंगे जिसमें घर वालों की मदद मिलेगी। इस राशि के छात्रों को आज अपने लिए नए अवसरों की तलाश करनी होगी। इस राशि के जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, आज उन्हें जल्द ही किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। हो सके तो काम घर से ही कर लें और बाहर जाने से बचें। आज कुछ ऐसा दिन है जब चीजें उस तरह नहीं होंगी जैसी आप चाहते हैं। इस राशि के विवाहित अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें। गलतफहमियों से तनाव बढ़ सकता है। इस राशि के मेडिकल स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो भविष्य में आपके काम आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको जरूरी कामों में सफलता मिलने वाली है। इस राशि के वकीलों को आज कोई इंटरेस्टिंग केस मिलेगा जिसमें की गई बहस आगे चलकर नजीर बन सकती है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। सामाजिक कामों में मित्रों की मदद मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आप उल्लास में कुछ बेहतरीन कर गुजरने के मूड में रहेंगे। आपके सामने कुछ अच्छे अवसर आएंगे। आप उसका पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। आज परिवार वालों के साथ आनंद के पल बिताएंगे। इस राशि के जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए दिन राहतपूर्ण रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी जरूरी काम को पूरा करने में कोई पुराना दोस्त काम आएगा। आज परिवार संग किसी धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे जिससे मन शांत रहेगा। व्यापार को बढ़ाने के नए तरीके सोचेंगे जिससे भविष्य में आपको फायदा होगा। पैसों के क्षेत्र में कुछ नई पहल भी आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। साझेदारी में किया गया काम फायदेमंद रहेगा। आज अपने उदार स्वभाव से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। भावनात्मक उथल पुथल आपको परेशान कर सकती है। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके पहले किए गए प्रयासों का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस राशि के बिजनेसमैन को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन ठीक है।
आज आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। शारीरिक दृष्टि से आज आपकी सेहत फिट रहेगी। लवमेट आज अपने दिल की बात अपने साथी से कहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। जो भी काम आपके लिए खास है उसे आज पहले पूरा करने की कोशिश करें। इस राशि के छात्रों को कम मेहनत करने से भी सफलता हासिल हो सकती है। अगर आपके पास किसी निजी समस्या से आप परेशान चल रहे हैं तो आपको उससे नजात के लिए कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज जरूर मिलेगी, जिससे आपकी मुश्किल आसान हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों किसी नए कामकाज की प्लानिंग करेंगे, इसमें आपको किसी करीबी का साथ भी मिलेगा। मूलांक 2, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे जिससे लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। मूलांक 3, किसी से अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। मूलांक 5, आपका कोई काम बनते बनते रुक सकता है जिससे आप थोड़ा मायूस भी हो सकते हैं। मूलांक 6, लवमेट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 7, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ नया आइडिया आपके मन में आएगा जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होगी। मूलांक 8, आपका मन अध्यात्म के प्रति लगा रहेगा, साथ ही कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ेंगे। मूलांक 9, रूटीन लाइफ में थोड़ी परेशानी आ सकती है लेकिन किसी की मदद से ये परेशानियां आपसे दूर होंगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया था जिन्हें ध्यान में रखकर वास्तु परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज भी हम आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे। घर की दक्षिण दिशा में एक्वेरियम या पानी से संबंधित कोई मूर्ति या शोपीस नहीं रखना चाहिए, इससे आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होते हैं। साथ ही घर या दुकान की उत्तर पूर्व दिशा को कभी गंदा नहीं करना चाहिए, वहां पर साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी रहने से घर में पैसों का आवागमन कम हो जाता है। इसके अलावा घर के दीवारों या फर्श पर पेंसिल, चौक या कोयले से लकीरें नहीं बनानी चाहिए, यानी दीवारों को गंदा नहीं करना चाहिए, इससे उधारी बढ़ती जाती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 12:36 तक रहेगी। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आज के दिन व्रत रखकर भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा पूरी, खीर पुए आदि का भोग लगाया जाता है। फिर देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की मंत्रों से विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से जातक के पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, साथ ही मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिलता है। आज रात 8:13 तक वरियान योग रहेगा। इस योग में कोई मंगलप्रद कार्य करने से उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। आज साथी आज सुबह 8:46 के बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कि कल सुबह 7:14 तक रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में से एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्ज्वल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेष करके हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, लिहाजा आज के दिन हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना भी लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। वनस्पतियों में इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। हस्त नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा आज दोपहर 1:45 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। आज एक बार फिर याद दिला दूं कि जिस दिन चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है उस दिन पाताल लोक की भद्रा होती है, और आज चंद्रमा कन्या राशि में है, लिहाजा आज पाताल लोक की भद्रा रहेगी। यहां एक बात साफ कर दूं कि पाताल लोक की भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है और भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वहीं पर मूल रूप से प्रभावी रहती है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पढ़ने वाले वरियान योग और हस्त नक्षत्र, भद्रा और दुर्गाष्टमी व्रत की। अब बात करते हैं आज के खास दिन पर विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने के लिए, अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए और जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके ऊपर अक्सर समस्याओं का पहाड़ बना रहता है जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो इस सब से बाहर निकलने के लिए आज के दिन 5 कौड़ियां लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाइए और देवी माँ से हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे आप अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। अगर आपकी सेहत में लगातार उतार चढ़ाव बने रहते हैं, इसके चलते आप अपने काम को समय पर नहीं कर पाते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इस मंत्र का 54 बार जाप करना चाहिए। दुर्गे स्मता हरसिथीति मशेष जंतु स्वस्थ स्मता मतिमति व शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता, और कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी सेहत में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से छुटकारा मिलेगा और आप अपने कामों को समय पर पूरा कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आज के दिन सांब शिव का अंबा सहित माता सहित स अंब सांब शिव का ध्यान करते हुए मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को क्रमशः सफेद और लाल पुष्प अर्पित करें, साथ ही घी का दीपक जलाकर उनके आगे संपूर्ण समर्पण करें, टोटल सरेंडर, और निवेदन करें अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम, मैं और किसी की शरण में नहीं हूं, तुम्हारी शरण में हूं, जो कुछ करना महाराज करो। तो आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें, तो आज के दिन आपको देवी दुर्गा के इस खास मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए और मंत्र के बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के करियर को बेहतर गति मिलेगी और उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को दूर दराज तक फैलाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद दुर्गा माँ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए और उसके बाद हलवे और उबले हुए चने का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और आपका बिजनेस जल्द ही दूर दराज तक फैलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी ना आने पाए जिससे आपके घर की सुख शांति बरकरार रहे, तो आज के दिन आपको 2 कपूर और 12 लौंग लेकर गाय के गोबर के कंडे या उपले पर थोड़ा सा घी डालकर उस पर चलानी चाहिए। आज के दिन यह उपाय करने से आपके परिवार में कोई परेशानी नहीं होगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको माता दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको 21 बार आपके दिन आज के दिन मंत्र जपिए और उसके बाद माता दुर्गा को इलायची का भोग लगाइए। इससे आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चनें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। अगर आप अपने जीवन में देवी माँ की कृपा बनाए रखना चाहते हैं, अपने कामों में परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं,
तो आज के दिन आपको किसी छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आशीर्वाद देना चाहिए और उसको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में देवी माँ की कृपा बनी रहेगी और आपको अपने कामों में परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। अगर आप सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर देवी दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विशो जहि। आज के दिन आपको 11 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए और मंत्र जप के बाद देवी माँ को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सुंदर स्वस्थ काया और परम सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी चीज का भय बना रहता है या आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो अपने भय पर अपने डर पर काबू पाने के लिए आज के दिन आपको माता दुर्गा की इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। आज के दिन आपको इस मंत्र का 2 बार जाप करना चाहिए और जाप के बाद मंदिर की घंटी बजानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने भय पर काबू पा लेंगे। अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है और उससे बचने के लिए आज के दिन आपको माँ दुर्गा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। आज के दिन माँ दुर्गा के इस मंत्र का आपको 5 बार जाप करना चाहिए और जाप के बाद माता को 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से स्वास्थ्य को लेकर आपको जो भी परेशानी है उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार की बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन देवी माँ को लाल रंग की पोशाक चढ़ाइए। अगर पूरी पोशाक न चढ़ा पाए तो केवल लाल चुनरी चढ़ाइए। साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का 5 बार जप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने जीवन में हर प्रकार की बाधा से छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में, कैसे आज के दिन दुर्गा माँ की आराधना करके और उनके निमित्त कुछ उपाय करके अपने जीवन की सारी परेशानियों का हल निकल सकता है और कैसे आपके काम बन सकते हैं। आज हमने इसी विषय पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, बिना कोई अतिरिक्त परिश्रम किए आज आपके सारे काम सामान्य गति से पूरे हो जाएंगे। B, परिवार वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, शाम को सभी लोग साथ में डिनर करेंगे। C, किसी रिश्तेदार का फोन आएगा, उससे अपनी कुछ पर्सनल चर्चा होगी। D, ऑफिस में बिजनेस के सिलसिले में कोई मीटिंग करेंगे, आपकी कोई बिजनेस डील फाइनल भी होगी। E, आप रोजगार की तलाश में हैं तो आज आपको रोजगार पाने का मौका मिलेगा। F, प्राइवेट ऑफिस में काम करने वालों का आज प्रमोशन होने के चांस बन रहे हैं। G, लव मेट के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा, आपके पार्टनर से कुछ अनबन हो सकती है। H, बाहर का मौसम आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रहेगा, आपकी सेहत पहले से बेहतर होगी। I, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे, साथ ही उनके साथ खूब मौज मस्ती भी करेंगे। J, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके व्यापार में 2 गुना वृद्धि होगी। K, आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे लोग आपकी काफी प्रशंसा करेंगे। L, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही करें। M, संगीत में रुझान वालों को आज किसी फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने का ऑफर मिलेगा,
एंड किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा। ओ, आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी जिससे आप अपने ख्वाबों को पूरा कर लेंगे। पी, जो लोग खेलकूद में रुचि रखते हैं उन्हें किसी अच्छी एकेडमी से जुड़ने का मौका मिलेगा। क्यू, अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आएगा, घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आर, दूसरों के साथ कोई महत्वपूर्ण बातें शेयर न करें क्योंकि लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। एस, स्टूडेंट्स के लिए दिन बेस्ट है, करियर में थोड़ी सी मेहनत से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। टी, आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे जिससे आपको राहत मिलेगी। यू, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किसी की मदद मिलेगी जिससे आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वी, आपके मन में नए नए विचार आएंगे, ये विचार आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। डब्ल्यू, पूरा ध्यान अपनी जिम्मेदारियों पर रखें जिससे बखूबी जिम्मेदारियों को निभा सकें। एक्स, आपकी किस्मत आपका सपोर्ट करेगी जिससे आप जो भी चाहेंगे वो पा लेंगे। वाई, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक बिजनेस में दोगुना वृद्धि होगी। जेड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान खरीदना चाह रहे हैं तो आज आप खरीद सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वृंदावन के शाहजी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर को टेढ़े कंबे वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इस मंदिर में स्थापित राधा कृष्ण के विग्रह को छोटे राधा रमण भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक बसंती कमरा है जो साल में दो बार ही भक्तों के लिए खोला जाता है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी छोटी गर्दन के बारे में, और आज हम बात करेंगे टेढ़ी गर्दन के बारे में। गर्दन हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे होकर सभी नसें मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार टेढ़ी गर्दन वाले लोग बहुत भक्तुनी होते हैं और ये लोग अधिक बोलने में विश्वास रखते हैं। इनके पेट में कोई बात नहीं रुकती, इसलिए ऐसे लोगों के साथ कोई पर्सनल बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग बहुत चतुर होते हैं, साथ ही बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से इनकी बात मान जाता है। बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 28 जून को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीजों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इसका असर दिमाग पर माना जाता है। अष्टमी तिथि आज रात 12:36 तक रहेगी, उसके बाद नौमी लग जाएगी जो कल रात 10:13 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कल की शुभ दिशा क्या है। घर से निकलते समय अपना मुख इस दिशा में रखें। आप चाहे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, कि आपको अपनी मेहनत का पूरा क्रेडिट मिले। और घर में रहते हुए पूजा करते समय, खाना खाते समय, प्राणायाम करते समय, योगासन करते समय, फोन पर बात करते समय, ऑनलाइन कुछ खरीदते समय या कोई एग्रीमेंट करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फायदा ले सकें। आपको घर में, परिवार में पूरा यश मिले, भरपूर सम्मान मिले, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज सूर्यदेव को नमस्कार करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 99710226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।